हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के थर्ड लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और थर्ड लेक्चर में आज मैं आपको पीरियोडिक सिग्नल के बारे में बताऊंगी, उसका पीरियोडिसिटी कंडीशंस बताऊंगी और फंडामेंटल टाइम पीरियड को निकालने के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी। और हम इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम दो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने सिग्नल्स के बारे में बताया था, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पूरा ओवरव्यू दिया था। सेकेंड लेक्चर में हमने इवन एंड ऑड सिग्नल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था और आज हम पीरियोडिक सिग्नल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है और अपीरियोडिक सिग्नल क्या होता है। पीरियोडिक सिग्नल का मतलब वो होता है कि वो सिग्नल्स जो कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो हैं वो अपने आप को रिपीट करते हैं, है ना। और याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर कोई भी एक सिग्नल है जो पहले 4 सेकंड के बाद रिपीट कर रहा है, फिर 7 सेकंड के बाद रिपीट कर रहा है, फिर 9 सेकंड के बाद रिपीट कर रहा है, तो वो सिग्नल जो है वो हमारा पीरियोडिक नहीं कहलाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बाद ही उसको रिपीट करना है, जैसे 4 सेकंड के बाद, फिर 8 सेकंड के बाद, फिर 12 सेकंड के बाद, यानी 4 के मल्टीपल्स पे ही वो रिपीट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी पीरियोडिक सिग्नल के बारे में कि पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन के होने चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल का क्या मतलब होता है आपका कि x ऑफ t शुड बी इक्वल टू x ऑफ t प्लस एन टी नॉट। यही हमने बात की थी, ये हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए है कि x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस एन टी नॉट। और अगर हम इसको डिस्क्रीट के लिए बात करें तो x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस m n। यहाँ पे जो t नॉट और n जो है वो है हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड भी मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फंडामेंटल टाइम पीरियड जो होता है वो स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड होता है जिसके लिए सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो कंडीशन है x ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस n t नॉट, तो ये क्या है कि हमारा जो सिग्नल है, इसका मतलब ये होता है कि सिग्नल को अगर हम उसके फंडामेंटल टाइम पीरियड से या उसके टाइम पीरियड से हम अगर उसको शिफ्ट करते जाएंगे तो भी हमारा सिग्नल जो है वो बदलना नहीं चाहिए, हमारा सिग्नल जो है वो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि हमारा सिग्नल जो है अगर वो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, फॉर एग्जाम्पल हमारा सिग्नल जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इसको मानिएगा कि जो मैंने कर्व्स बनाए हैं वो सेम साइज़ के हैं, तो आप देख रहे हैं कि अगर ये सिग्नल जो है वो हमारा रिपीट तो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 0, 1, 2, 3 -1, -2, -3 तो 1 सेकंड के बाद ही अपने आप को रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस सिग्नल को शिफ्ट करती हूँ टूवर्ड्स लेफ्ट, मैं 1 सेकंड से ही लेफ्ट सिग्नल को शिफ्ट करती हूँ, तो मेरा सिग्नल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो क्या ये दोनों सिग्नल जो है वो मेरे इक्वल है? नहीं। मेरे सिग्नल में अगर आप पहले सिग्नल में बोलेंगे तो वर्टिकल एक्सिस के दोनों साइड में तीन तीन हमारे जो थे वो कर्व थे, लेकिन हमारा जो दूसरा सिग्नल है जब मैंने उसको शिफ्ट किया है तो हमारा एक तरफ जो है वो सिर्फ दो ही कर्व रह गए। मतलब दोनों सिग्नल जो है हमारे वो सेम नहीं है। सेम नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x ऑफ t इज़ नॉट इक्वल टू x ऑफ t प्लस 1, है ना। और जब ये हमारा जो है फॉलो नहीं कर रहा है, और जबकि 1 जो है हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड ही है, अगर इस कंडीशन को वो फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये हमारा सिग्नल जो है वो पीरियोडिक नहीं है। इसलिए पीरियोडिक सिग्नल जो है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन का होना चाहिए। ओके, उसके बाद अपीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं? वही सिग्नल जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो ना करें, जिसके बारे में मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब बात आती है हमारी फंडामेंटल टाइम पीरियड को कंप्यूट करने की। तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल टाइम पीरियड को कंप्यूट करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक सिग्नल्स के लिए बताना चाहती हूँ। ये जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, ये हमारे कुछ बेसिक सिग्नल्स हैं। e^j⍵0t, cos⍵0t, sin⍵0t। यहाँ पे जो हमारा ओमेगा है, ये जो होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम 2πf0 कहते हैं। f0 हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और आपको पता होना चाहिए कि f0 जो है दैट इज़ इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट। तो आपको अगर कोई भी सिग्नल आते हैं जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो या कॉस या साइन के फॉर्म में हो, तो आपको सिंपली उसका ओमेगा नॉट फाइंड आउट करना है, और ओमेगा नॉट फाइंड आउट करने के बाद अब उसका फ्रीक्वेंसी या टाइम जो है दोनों आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बात करें तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में जब आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हमारा जो 2πf0n है उसको हम 2πk से डिफाइन मतलब इक्वेट करेंगे, और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है वो k/n के फॉर्म में आएगी, और ये k/n जो है वो हमेशा इंटीजर बाय इंटीजर यानी कि रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये इंटीजर बाय इंटीजर नहीं है, इंटीजर और मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही इंटीजर नहीं है, तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये हमें ये बताएगी कि हमारा जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो एक्चुअली में
पीरियोडिक है ही नहीं। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करने को आए कि टू फाइंड अ गिवन सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट, वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो, तो आपको सबसे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी को देखना है। कैसे देखना है वो हम क्वेश्चन से समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एग्जांपल दिया हुआ है वेयर कॉस 0.01 पाई एन। अब यहाँ पे एन दिया हुआ है, इसका मतलब साफ है कि ये हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारा जो स्टैंडर्ड सिग्नल है दैट इज़ कॉस 2 पाई एफ एन, इससे हम इसको कंपेयर करेंगे और इससे हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो फ्रीक्वेंसी की अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो 0.01 पाई एन इज इक्वल टू 2 पाई एफ एन, तो हमारा जो एफ आएगा वो आएगा 0.01 बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं 1/200। तो 1/200 हमारा ये जो है ये के बाय एन है, ठीक है। तो एन ये तो k बाय एन जो है वो हमारा इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्मेट में है, मतलब हमारा जो ये पर्टिकुलर सिग्नल है वो हमारा पीरियोडिक सिग्नल है और इसका जो पीरियड है दैट इज़ n, जो हमारा k बाय एन मैंने आपको बताया है फ्रीक्वेंसी, उसमें n जो होता है वो आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड को शो करता है। तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है, वो 200 है। ओके, सिमिलरली अगर अब आपको क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इसमें आपको किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको पूछा जाएगा कि एक पर्टिकुलर फंक्शन का, एक पर्टिकुलर सिग्नल का आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2πt। तो अब स्टूडेंट्स आपको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस भी याद होने चाहिए। अब साइन स्क्वायर 2πt को आप लिख सकते हो, आपका फॉर्मूला याद होगा जो आपने 12th में पढ़ा होगा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम इसको और अगर देखें तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा माइनस 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2θ/2, ठीक है। तो इसी का हमने यहाँ पे लिख सकते हैं x ऑफ t इज इक्वल टू 1 - cos 4πt/2, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया और 1/2, इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस 4πt/2। तो ये जो 1/2 है वो तो हमारी डी सी वैल्यू है, और मैं आपको आज यहाँ पे एक नई बात बता दूँ कि डी सी वैल्यू जो होती है वो हमेशा पीरियोडिक होती है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा पीरियोडिक वैल्यू है, इसका हमने टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है। तो हमारा जो टोटल सिग्नल का जो टाइम पीरियड होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसको हमने स्टैंडर्ड सिग्नल से जब कंपेयर किया तो टी नॉट जो है वो हमारा 2π/ω0 और ओमेगा हमारा यहाँ पे क्या है 4π है, तो फाइनली हमारा टी नॉट जो होता है वो 1/2 सेकेंड आ जाता है। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली किसी भी सिग्नल का, अगर वो कॉस या कोसाइन के फॉर्म में है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है तो भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड। और जनरली आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर हमारा कंपोजिट सिग्नल हो, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आप लोग को कंपोजिट सिग्नल के बारे में बताया था कि कंपोजिट सिग्नल्स क्या होते हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। कंपोजिट सिग्नल्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कंपोजिट सिग्नल इज x1 ऑफ t + x2 ऑफ t इज इक्वल्स टू xt। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि इस पूरे कंपोजिट सिग्नल्स का जो है टाइम पीरियड क्या होता है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया है कि फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले हमें जो इंडिविजुअल सिग्नल्स हैं जिसको मिलाकर कंपोजिट सिग्नल मिला है उसका टाइम पीरियड निकालना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल x1 ऑफ t का जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो t1 नॉट और x2 ऑफ t का जो है वो t2 नॉट है, ठीक है। तो उनको पहले हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उन दोनों का रेशियो देखेंगे। उनका रेशियो अगर रैशनल नंबर होता है तो ये जो हमारा टोटल सिग्नल है x ऑफ t वो हमारा पीरियोडिक है। अगर उन दोनों का जो जो t1 नॉट और t2 नॉट का रेशो है वो अगर रैशनल नंबर नहीं आता है, मतलब हमारा जो कंपोजिट सिग्नल है वो पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। तो अब हमने जैसे फाइंड आउट कर लिया कि हमारा जो सिग्नल है वो पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक सिग्नल पता करने के बाद हम उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो हम जो t1 नॉट है और जो t2 नॉट है उन दोनों का LCM निकालेंगे। जो हमारा टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड जो दोनों सिग्नल्स का निकला उसका हमें LCM निकालेंगे, और जो फाइनल LCM का आंसर होगा वही हमारा फाइनल फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा। ये मैंने आपको दो सिग्नल के लिए बताया है, दो से ज़्यादा सिग्नल्स के लिए भी अगर हमारा जो कंपोजिट सिग्नल है वो दो से ज़्यादा सिग्नल्स को मैच करके बनाओ तो भी हमको सेम मेथड को सॉल्व करना है। ये जो मेथड हमें कैसे सॉल्व करनी है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एग्जांपल है x ऑफ t इज इक्वल टू साइन 6πt + cos 5πt। तो हमारा सिग्नल 1 है x1t दैट इज इक्वल टू साइन 6πt और x2t जो है वो है हमारा cos 5πt। तो यहाँ पे हमारा ओमेगा 1 इज 6π, तो हमारा t1 नॉट क्या हो जाएगा 1/3, एंड सिमिलरली ओमेगा 2 इज 5π, t2 नॉट हो जाएगा हमारा 2/5। अब हमें पहला स्टेप क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा जो टोटल कंपोजिट सिग्नल है x ऑफ t वो
पीरियोडिक है या नहीं है। तो दोनों का जो फंडामेंटल टाइम पीरियड आया है उसका हमने रेशियो निकाला, दिस इज 5/6। 5/6 इज इंटीजर बाय इंटीजर, मतलब रैशनल नंबर है हमारा, मतलब हमारा जो कंपोजिट सिग्नल है वो हमारा पीरियोडिक है। तो हमें इसके बाद इसको पीरियोडिसिटी निकालने के लिए, इसका पीरियोडिक फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। और ये आपको पता होगा कि अगर हमारे हमें रैशनल नंबर्स का एलसीएम लेना होता है, मतलब हमको अगर फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना होता है, तो हम उसका फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। याद रखिएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, 1 और 2, उसका एलसीएम है 2 और उसके अलावा 3 और 5 जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड जो कंपोजिट सिग्नल का है वो है 2 सेकेंड्स। ओके, तो अब हमने सीख लिया कि हम फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। पर ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कुछ चीज़ें दी हुई हो, जैसे टाइम शिफ्टिंग दिया हो, टाइम स्केलिंग दिया हो, टाइम रिवर्सल दिया हो, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग दिया हो, तब हमारे फंडामेंटल टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो टाइम शिफ्टिंग का हमारे फंडामेंटल टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपको साइन ऑफ टी प्लस 2 दिया हो यानी टाइम शिफ्टिंग किया हो, तो भी हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड सेम रहेगा। अब टाइम स्केलिंग की अगर बात करें, टाइम स्केलिंग यानी अगर मैं बोलती हूँ कि x ऑफ t की जगह पे x ऑफ at कर दिया, मतलब हमने जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी टर्म से, तो जो हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो उसी टर्म से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे टाइम स्केलिंग का फ़र्क पड़ता है फंडामेंटल टाइम पीरियड में, जिस टर्म से हमारा जो टाइम को स्केल किया गया हो उसी टर्म को हमें डिवाइड करना होगा टाइम स्केलिंग टाइम फंडामेंटल टाइम पीरियड। ओके, अब टाइम रिवर्सल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब x ऑफ t को अगर मैं x ऑफ माइनस t कर दूँ, तो भी हमारा जो टाइम पीरियड है वो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा। एंड सिमिलरली एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग का भी हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं x ऑफ t प्लस या माइनस कुछ भी a मैं कॉन्स्टेंट लेती हूँ वो कर दूँ, तो भी हमारा जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है फंडामेंटल टाइम पीरियड्स की आप इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, अगर हो सकता है आपको क्वेश्चन आए कि साइन 6πt प्लस समथिंग कॉल्ड फाई कर दिया मैंने, ठीक है, तो अब क्या है, आप ये सोचेंगे कि मैम ने साइन 6πt का तो बताया था पर ये प्लस फाई का कैसे करना है, तो ये दिस इज़ नथिंग बट टाइम शिफ्ट किया है हमने। टाइम शिफ्ट में कोई चेंज नहीं होता है हमारा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेम, आपको सिर्फ साइन 6πt का ही जो है फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है और वही आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी इजी हो जाते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता हो। तो आई होप कि आज का जो आपको लेक्चर है वो समझ में आया होगा। प्लीज़ आप मेरा फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी फास्ट जा रही हूँ तो भी आप बता सकते हैं, मैं अपने पेस को स्लो कर लूँगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वील मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।